एचबीएल पीएसएल 8 का सबसे बड़ा अपसेट, टेबल की टॉप टीम को टेबल की लोअर टीम ने खलास कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद यावा यासीन, वेलकम बैक टू क्रिकेट सीन्स। और आज बात करते हैं कराची और मुल्तान के मैच की। ये क्या किया मुल्तान वालों, 167 स्कोर नहीं तुमसे हो सका। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और कराची किंग्स को कहा कि आओ बैटिंग करो, और मुल्तान सुल्तान की जैसी बॉलिंग थी उन्होंने कराची किंग्स को 167 पे 3 आउट थे और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यहां तक मुल्तान के हाथ में मैच था, लेकिन कराची किंग बॉलिंग पे आई है तो उसने मुल्तान सुल्तान को जकड़ लिया। भाई सबसे टॉप टीम को आप 101 पे ऑल आउट कर रहे हो, भाई लेवल बॉलिंग बहुत कमाल। नया बॉलर आया है कराची में तबरेज शमसी, और वो आउट करता है और जूते उतार उतार के दिखाता है, भाई बहुत लेवल। मैन ऑफ द मैच तबरेज शमसी, 3 विकेट्स 4 ओवर में सिर्फ 18 स्कोर दे के, बहुत लेवल। उसने जो 3 दफा जूते दिखाए हैं उतार उतार के, आउट कर करके मुल्तान को 101 पे ढेर कर दिया। भाई कराची वालों वेल डन। मोहम्मद रिजवान 29 पे, शान मसूद 25 पे, अनवर अली 12 पे, बस खत्म मैच। बहुत लेवल खेली कराची और मुल्तान को खत्म कर दिया। मतलब इस पीएसएल में कुछ ये चल रहा है कि क्या पता कोई भी उठ के किसी को भी हरा दे। कोई भी अभी तक फाइनल नहीं है कि ये टीम पीएसएल के प्लेऑफ खेलेगी, कुछ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान। और पिछले मैच में जो लाहौर कलंदर खेली है 241, और पिछले मैच में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेली है 220, और ये बहुत हाई वोल्टेज मैच होने वाला है भाई, बहुत मजा आएगा। 240 241 वर्सेस 220, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, फखर जमान वर्सेस आजम खान, लेवल हो जाएगा। यहां तक तो सब लेवल है, लेकिन रुमान रईस वर्सेस शहीन शाह अफरीदी, ये लेवल नहीं है ना, ये मेरी टीम को एज है। तो प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं, सो इट्स प्रिडिक्शन टाइम। ऑब्वियसली मेरी टीम लाहौर है तो मैं तो लाहौर का साथ ही दूंगा ना। बैटिंग में दोनों बराबर, बॉलिंग में उधर रुमान रईस, इधर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, राशिद खान, इसलिए मैं लाहौर के साथ हूँ, पूरी कैलकुलेशन के साथ। देखते हैं आज के मैच में लाहौर पिछले मैच जैसा जादू दिखा पाती है या नहीं। देखते हैं कल लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हालातों वाकियात के साथ। तब तक पीएसएल को करें इंजॉय, अपनी फेवरेट टीम को करें सपोर्ट। रब रखा।